नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है, सब की सब अपलोड हो गई हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, और नीचे आपको अदर सोशल मीडिया नेटवर्क का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और कक्षा 10 और कक्षा 12 का पेपर देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे के सारे पेपर यूपी बोर्ड की। तो आइए दोस्तों, देखते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बुक आपकी स्क्रीन पर आ रही है दोस्तों, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वही देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो दोस्तों, हमको क्या दिया, पहले वृत्त की त्रिज्या दी है, देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं आर वन, कितने दिए है 19 सेंटीमीटर दिया है आपको। ठीक है दोस्तों, 19 सेंटीमीटर दिया है। एक मिनट, अच्छे से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 19 सेंटीमीटर दिया। तो ये लिखते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या मानते हैं आर वन, 19 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या दिया है, वृत्त दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या आर टू मानते हैं कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले वृत्त की परिधि और पहले वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर वन, तो दूसरे वृत्त की परिधि बराबर है कितना हो जाएगा, 2 पाई आर टू। और नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, कैसे होगा। तो देखिए 2 पाई आर बराबर है 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2 पाई आर बराबर 2 पाई हम क्या करते हैं, ले लेते हैं आर वन प्लस आर टू। सो दोस्तों, यहाँ पर हमें छोटा आर वन और आर टू लिखना है। ठीक है, यहाँ पर छोटा आर वन और आर टू लिखना है हमको, आर वन और ये हो जाएगा आर टू। ठीक है, तो देखिए जो नया वृत्त की परिधि और इन दोनों वृत्त के परिधि के क्या है, दोनों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, तो 2 पाई आर वन और 2 पाई आर टू पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, ये माना हमने 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 पाई बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा सूत्र बन गया है। तो 2 पाई से 2 पाई हमारा कट गया है, तो जो नया वृत्त बनेगा वो क्या होगा, आर बराबर है आर, एक मिनट यहाँ पे छोटा आर लिखिए, यहाँ पर लिखिए आर वन प्लस आर टू और ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। तो नया वृत्त क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आर वन कितना 19 प्लस 9, ये हो जाएगा 28
सेंटीमीटर तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए कैसे क्या है। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। और नीचे आधार सोशल मीडिया नेटवर्क का लिंक मिल जाएगा, आप लोग हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।